وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفر الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله واستغفروا الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، واستغفروا الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الحمد لله بنعمته تتم الصالحات अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया और उससे भी बढ़कर कर ये कि मुसलमान बनाया फिर अपने नबी का उम्मती बनाया और आज हम इस अंधेरों के दौर में रोशनियों की तलाश में हैं और अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ आज का ये सेशन शुरू करेंगे कि ये मेरे समेत बहुत सारों के लिए रोशनी का पैगाम बन जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई था ना कोई है और ना कभी आएगा हमारा इस पर ईमान है सुबह शाम दो बिलियन के करीब मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद अशहद महमद और रसूलुल्लाह जो कलमा पढ़ते हैं उसका ये तक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, के उम्मती होने में वो शामिल हो जाता है एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें तो हमारा शायद दम घुटने लगे ये सोच कर कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ना होते तो क्या होते हमारा क्या मामला होता और हम वाकई किसी जंगल में या सहरा में भटक रहे होते बदबू की तरह वो हालात जो नबी सल्ला वसम के दुनिया में आने से पहले के दुनिया में थे अगर आप उन सभी को जहन में ले आए किसी ना किसी जगह तो आपने भी पढ़ा और सुना ही होगा तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे कठिन हालात में रोशनी की एक नवीद बनाकर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा यकीनन महीना तो वो रबी अव्वल का ही था दिन कोई भी हो इससे कोई बहस नहीं असल बात तो यह है कि अल्लाह ने हिदायत का चिराग बनाकर जिस इंसान को दुनिया में भेजा और जो नूर हिदायत बनकर आए थे आज उम्मत मुसलिम उनसे कितनी को वाकिफ़ है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मोहब्बतों के दावे तो करते ही रहें लेकिन हमें अपने नबी के बारे में पता ही ना हो और मेरा गुमान है कि सुनने वालों में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह के नबी सल व्लम की कोई एक सीरत की किताब कोई आप लाइफ हिस्ट्री के बारे में ना पढ़ चुका हो क्योंकि मुमकिन कैसे है जिनसे मोहब्बत होती है उनके तो हालात जानने और उनकी पसंद नापसंद जानने के लिए लोग इधर से उधर होते हैं और इसी तरह से आप सब जानते हैं कि मोहब्बत जब होती है तो उसके पीछे क्या कुछ होता है तो आज हम इन ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बहुत ही मरूफ़ और मशहूर किताब अर्रहकुम मखतूम को आपके सामने लाते हैं और इन शाला तौ आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको सारी किताब ही मिलेगी लेकिन इस वक्त आपके लिए जो हिस्सा मुंतखब हुआ है जो आपके नसीब में है और अल्लाह करे कि इसमें बहुत सारी बरकतें हों वो है गजब तबूक आइए ज़रा थोड़ा सा इस किताब के बारे में जानते हैं और आज तो ये चीज़ पढ़कर सुनकर हमने सिर्फ अपना जहन सेट करना है कि क्या वाकई हम नबी अलैहि वसल्लम से वाकिफ भी हैं आपके बारे में क्या जानते हैं कितनी किताबें हैं कितनी कुछ पढ़ा आपके बारे में तो रही को मख्तूम क्या है ये एक किताब है अवार्ड विनिंग बुक है शाह फैसल अवार्ड मिला इसको और बहुत ही मरूफ़ रॉइटर रहमान मुबारकपुरी साहब इस किताब को लिखने वाले या इसको पायलप करने वाले थे सीरत लिखनी नहीं पड़ती बस सीरत की बातें होती हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नाम बिल्कुल नया लगता है कि ये नाम क्या है तो अलमखतूम पुराने पाक में लफ्ज़ शराब निचोड़ी हुई यानी अगर आप इसके लफ्ज़ के अंदर जाए तो आपको क्या मिलेगा अल्लाह के नबी सल व्लम की जिंदगी का निचोड़ आप देखते हैं कि बहुत सारे फलों को जब जूस की शक्ल में निकाला जाता है तो बहुत थोड़ा सा फल निकलता है ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों और उनकी मेहनतों का हम तो क्या अंदाज़ा लगाएं और कैसे लगा सकते हैं इसको तो एक साइड पे करते हुए सिर्फ़ इस वक्त ये समझ लीजिए कि हम नब्सम की पूरी ज़िंदगी की कोशिशों और आपके दीन के लिए किए काम हुए कामों और फिर उससे जो कारनामे हुए उसका बस एक एक कन्सनट्रेट किस्म का सिरप पीने वाले हैं और अर्रह मख़तूम वो किताब है कि जो ज़रूर एक बार अपने पढ़ने और सुनने वाले को इस बात पर सोचने पे मजबूर करती है कि क्या वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कोसर का पानी पीना मेरा भी गोल है क्या मेरी ख्वाहिश है कि नबी नबिर मुझे अपने हाथ से हौसे कौसर का पानी पिलाएं तो फिर यकीनन आपकी सीरत को जानना हमारे लिए सादत होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वल् की सीरत तैयबा आपके अकवाल और अफ़ाल और अखलाक करीमाना का नाम है सीरत सीर से है सैर करना गोया के पढ़ने और सुनने और पढ़ाने और बताने वाला नबी सल्ला वसम के साथ साथ सैर करता है और स्टोरिकल बुक का यही फ़ायदा होता है कि आप जहाँ बैठे हुए ये तो भूल ही जाते हैं आप या तो मक्का में होंगे या मदीना में होंगे जैसे आज हम सीरत का ये बाप पढ़ते हुए अपने आप को तबूक की तैयारियों में मसरूफ़ पाएंगे और इन इसमें बहुत कुछ है फिर इसी तरह से तलु इस्लाम से ही मुसलमान सीरत तैयबा की नश्रोशात में अनथक कोशिश करते रहे ये बहुत ही प्यारा मज़मून रहा हमारे असलाफ़ इसके लिए बहुत बेचैन रहते थे और ऐसी ही एक कोशिश सरत नबी की मशहूर मशहूरमाफ़ किताब अर रही कम मखतूम आज हमारे हाथों में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू सईद सद अलखदरी रदी रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस मुसलमान ने किसी बेलिबास मुसलमान को लिबास पहनाया अल्लाह ताली इसको जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा और जिस मुसलमान ने किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाया अल्लाह ताला इसको जन्नत के फलों से खिलाएगा और जिस मुसलमान ने किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाया अल्लाह ताला इसको रहीकुम मखतूम यानी मुश्क के जायके वाली शराब पिलाएगा अब लफ़ शराब को बस इस वक्त ये समझिए कि मशरूब ड्रिंक के मनों में उर्दू में चूके लफ्ज़ शराब उसी शराब के लिए आता है जिसको हम बुरे मानों में जानते हैं लेकिन अरबी में देखें तो शरीबा या शरबू शराब पीने वाली चीज़ जैसे आपने कभी मशरूब मशरक और इस तरह के शरबतों के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ा होगा ये रिवायत जो है दाऊद की है वन सिक्स सेवन टू तो आज इस इस किताब को पढ़ने का मकसद पूरी दुनिया में लोग बेचैन हैं परेशान हैं इसी में प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट जो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को आगाह किया जाए आज आपको ये पैगाम जो डिफरेंट चैनल से दिया जा रहा है इसमें आईएमएफ भी है आईएमएफ और जो भी डिफरेंट हमारे पास चैनल्स हैं माशा जिससे भी ये पैगाम जाए और नूरुल कुरान की वेबसाइट और यूट्यूब के थ्रू भी आप इसको सुन रहे हैं और जो भी नहीं सुन सकेंगे वो बाद में भी सुनेंगे लेकिन हम इसको पढ़ेंगे अपने मुहासवे के लिए आज मुसलमान क्यों परेशान हैं कभी हमने सोचा अगर आज थोड़ी सी दुनिया में इधर से उधर बातचीत होने लगे तो कोई नई बात नहीं है असल चीज़ जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से आए होते हुए आज तक हम तक पहुंची और हमारे असलाफ का भी यही अमल था कि जितना कोई फितना आता कोई आजमाइश होती उतना तमस्क बिलकुर वहदीस व सीरा करते उनको इस चीज़ की फ़िक्र लगी होती थी कि हम अपने नबी के बारे में जानें ताकि दूसरों को बताएं जब हम ख़ुद नहीं जानेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे आप किस चीज़ की एडवर्टिज़मेंट करते हैं जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं आज भी आप देखिए पूरा मीडिया ए, मार्केटिंग के नाम पर क्या कुछ नहीं ऑफ़र करता ये कभी हो सकता कि आप किसी ऐसे बंदे की हिमायत करें जिसको आप जानते नहीं सिर्फ़ एक जज्बाती वस्तगी अपनी जगह ये तो बात सौ फ़ीसद सच है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमान के खून में रची हुई है नींद में मदहोश शख़्स को भी अगर पूछे कि क्या तुम नबी से प्यार करते हो डू यू लव मोहम्मद अलैहि वसल्लम एक मिनट का तक़ुफ़ किए बग़ैर कहेगा हाँ हती कि अगर कोई गुना से गुना में शराब में भी जा चुका है तो उस नशे में भी वो ये नहीं भूलता कि वो नबी अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है लेकिन क्या वजह है कि आज हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हीं के बारे में नहीं जानते और दुनिया में फितने उठते थे उठते रहेंगे और आने वाले दौर का तो नाम ही फितनों का दौर है तो क्या फिर आप और मैं ऐसे वक्त में सोते रहेंगे क्या ज़रा सी देर में इधर से उधर आंखें खोल कर देखेंगे घुमाएंगे और जब सुकून हो जाएगा तो सो जाएंगे आज जो मुसलमान मुसलमान नबी सल्लम की मोहब्बत के दावे और प्रोटेस्ट और ऐसी बातें कर रहा है क्या ये ख़त्म हो जाएंगी जब सुकून हो जाएगा क्या हम सिर्फ उसी वक़्त जागते हैं जब कोई हमें हिलाता है क्या सोती हुई मोहब्बत का अंदाज़ा करना ऐसे लोगों के लिए काफ़ी नहीं मुमकिन नहीं है कि वो हमारे सोने को जगाने के लिए पत्थर मारते हैं कि मुसलमानों तुम इतने पुरस्कुन हो के क्यों सो रहे हो तुम्हें तो अल्लाह ने कुन तुम खैर उम्मीद लिननास बनाया था एक तरफ़ रबी रवल का महीना जिसमें नबिर के नाम पे मोहब्बत भरी महफिलें सजती हैं और दूसरी तरफ कई और चीज़ें सामने आ रही हैं क्या आपको मुझे ऐसे वक्त में सो रहना है जागता नहीं जागना नहीं चैलेंजस का जवाब गु़स्से से नहीं देना रिएक्शनरी नहीं बनना तकवा और सब्र ये दो लफ्ज़ थे तेरह साल मक्का के मुसलमानों पर जो आजमाइशें टूटती रहीं बार बार आकर जयाले पूछते थे अल्लाह के नबी मता नसरुल्लाह अल्लाह के नबी कब मदद आएगी अल्लाह के नबी हालात कब बदलेंगे तो आप क्या कहते थे अल्ला नसरुल्ला ही करीब क्योंकि उनका ईमान पुख्ता था खुब फायदी या कुम के साथ हाथ रोके हुए थे रिएक्शनरी नहीं बनना तकवा इख्तियार करो और दीन से जुड़ जाओ आप देखिए कि आप जहाज़ में होते हैं और जहाज़ स्मूथ चले तो आप आराम से बैठे होते हैं लेकिन ज्यों ही ज़रा से झटके आते हैं कोई एयर एयर गैप्स आते हैं तो वो क्या कहते हैं सीट बेल्ट बांध लीजिए फिर हम ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं तो ये सीट बेल्ट बांधना है तो इस वक्त हम नबसे वसल्लम के सहाबा की कोशिशों को देखने लगे हैं आज का हमारा टॉपिक अजवा तबूक होगा और इन इसी को आगे तक ले कर चलेंगे विस नबी सल्ला वसम तक कम अज़ कम इस एक आखिरी दौर को ही देख लीजिए कि अल्लाह के, के नबी और आपके ने क्या कोशिशें की क्या मेहनतें की कैसे धमकियाँ मिलती थी और क्या उसके जवाब थे एक एक लफ्स महफूज है आप पर उस वक्त भी जान निछावर करने वाले करोड़ों लाखों नहीं भी होंगे तो जितने थे वो जान निछावर निछावर करते थे वो सिर्फ रैलीस नहीं निकालते थे वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करते थे वो बाइकआट की बात ही नहीं करते थे बल्कि वो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं वह एफ्स एंड बर्ड्स में नहीं पढ़ते थे वो नबी के बात पे एतबार करते थे यकीन करते थे हमारे नबी को अल्लाह ने एक मार्फत दी हुई है वमा यंत को इन निल्ला वो पूरे यकीन से नबी की बात पे हाँ कहते थे वो सोच में नहीं पड़ जाते थे क्योंकि उनको पता था कि नबी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक राहमत बना कर भेजा है तो आज उम्मत मुसलिमों में इसी दर्द को बेदार करने की ज़रूरत है आज हम अमली तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे और इस दीन को आम करके इंसानियत का ये एक तोहफा है मेरे आपके पास ये, ये अमानत है हमारे पास हम दावत उम्मत भी हैं उम्मत व दावा भी हैं और हम मदू भी हैं नबी हमें दावत देकर गए आज हमने दूसरों को देनी तो जब किसी की चीज़ आपके पास रखी हो तो वो आपसे लेने तो आएगा ना क्योंकि आपने दी नहीं अब उनको लेना आता है हमने यमानत अगर इस्लाम की कुरान की और नबी का ख़ूबसूरत किरदार दुनिया को दिखाया होता तो आज लोग ऐसे जौक तर जौक हमारे पास आ रहे होते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने पाक में फ़रमा दिया कि यद ख़ुलू नफ़ी दीन अल्लाफवा लोग तो फ़ौज दर फौज आते थे नबी का अखलाक फबी मरहमत कुरान तो गुन गाता है कुरान से प्यारी नात कौन पड़ेगा नबी की क़ुरान से प्यारा तस्कर कौन करेगा कहीं मुबशिरम और कहीं नज़ीरन बबशीरन और कभी शाहिदन कहा नबी सल्ला वल्म को आपकी मेरी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत है इस वक्त अगर आज तो वो ये है कि हम अनजान ना रहें हम बेखबर ना रहें और अगर अनजान रहें बेखबर रहे तो महरूम रहेंगे आज उम्मत मुसलिमा मुतहद होकर अगर साइंस टेक्नोलॉजी तालीम और तामीर की दुनिया में आगे निकल जाएगी तो याद रखिएगा हम भी हर मैदान में लोगों की जरूरत बन जाएंगे हम तो अमानत उम्मत हैं अल्लाह के नबी की सीरत को दिलों तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं हम में सारे की ये ज़िम्मेदारी थी कि तुम इस मिशन के राही बनना हर बच्चा जो मुसलमान घर में पैदा होता है वो एक मिशन लेकर आता है एक पैगाम लेकर आता है और ये ईमानदारी ये ज़िम्मेदारी और दिलों तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से निकलेगा क्या महज़ नफ़रत के इजहार से क्या गालियाँ देकर क्या नबी ने दूसरों को गालियाँ दी थी नहीं हम सीखेंगे राहमत आलमीन की सीरत से और ऐसे हादसे अगर आपकी ज़िंदगी में होते रहे जो आपको कमो बेश इर्द गिर्द नजर आते हैं तो क्या वो सोए रहते एक रैली निकाल कर आकर सो जाते सुख चैन की बांसुरी बजाते नहीं ये तो एक बहुत छोटा सा मुजाहरा होता नफ़रत का जिसको वो तवज्जो मिल जाती बस उसके बाद फिर दोबारा दुश्मन आगे आता नहीं आज इंशाल्लाह हम गजबा तबूक के तनाजर में देखेंगे कि अभी तो दुश्मन दूर बैठा है लेकिन अल्लाह के नबी अपने इस खाब को किस तरीके से इन चीज़ों के लिए तैयार करते थे और याद रखिए कि एक हवा का मुखालिफ झोंका आए और हम खड़े हो जाएं और फिर खैबर नेशन के कह लीजिए कि उसकी फॉर्म में चले जाएं फिर सो जाएं फिर अपनी खुशियाँ शादियाँ गम दुख तो ये कोई बात नहीं है एक महीना के आए हम सारे नबी से मोहब्बत के दावेदार बन जाएं और जब चांद जाए और बारह ही गुजर जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी जिंदगियों में तो ये अच्छे लोगों की बात नहीं हमने इस नयत से आज सीरत का ये सफ़र शुरू करना है कि हमने अपने आप को नबी के किरदार में ढालना है आप चलता फिरता नमूना थे हमने भी इसी की कोशिश करनी है और याद रखिए एक चलती हुई शम्मा कई और शम्मे जलाती है अपने शोले से तो अगर दिलों में मोहब्बत तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन ही है आपके दिल में वाकई अल्लाह से के नबी से मोहब्बत है बड़ी ताप से आपका दिल चमक रहा है नबी की मोहब्बत से तो आइए चलिए दूसरों को भी इस मोहब्बत के चिरागों से जलाते जाइए उनको भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत दीजिए आपके दिल में एक पायलट फ्लेम ही क्यों ना हो अल्लाह के नबी की मोहब्बत का ये वक्त है ये ज़रूरत है कि हम आपकी सीरत के ज़रिए चारों तरफ खुशबू फैला दें और अगर किसी को ये अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं अच्छी बात यह है कि आप इसी को अपने काम से काम रखते हुए आगे से आगे लेते जाएं। और इन ताला, अल्लाह ने मुसलमानों को एक अजीब सी ताकत दी है सच्चे ईमान में वो ताकत होती है जो दुनिया की किसी खुराक में नहीं किसी गज़ा में नहीं है ईमान जरूरत का नाम है ईमान इंसान को बेखौफ व ख़तर कर देता है और याद रखिए कि दीन को इंसान फ़ितरत लोगों तक पहुँचाना जो इससे नाचना है और इसके फैस से महरूम है जो इस हस्ती की ज़ात और सिफात से बेखबर है इसलिए इस बात से भी ना लें किनके घर के बराबर रहने वाला जिसने कई सालों में आज तक एक बार इस्लाम के बारे में नहीं सोचा तो ये सारी सोचे रखते हुए आइए शुरू करते हैं इसी किताब में से और आप में जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं इंशाल्लाह आपको वो भी मिल जाएगी इस वक्त आपने इस सोच के साथ सुनना है कि आज के दौर में हमें क्या क्या करने की जरूरत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस दीन के पौधे को सिंचा और फिर बाहर आई और सहाबा ने क्या कुर्बानियाँ दी क्या वो क़वत थी क्या वो जरूरत थी इस दुआ के साथ शुरू करती हूँ कैल्लाह मेरे मालिक मुझे हक़ मुझे हक़ को हक़ बुझाने बना दे और मुझे तोफ़ी दे कि मैं नबी की सीरत का हक़ अदा कर सकूँ और उन उनहाब के किस्से बयान करते करते अपना मुहासवा भी कर सकूँ वो कौन थे वो कैसे थे तो याद रखिए कि गज़व तबूक नबी अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे आखिरी बड़ा मार्का था गजवा फ़तेह मक् और बातिल के दरमियान एक फ़ैसला कद मार्का था हो चुका, गुजर गया सनाहट हिजरी में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बग़ैर कोई बहुत सारा खून बहाए मक्का को फ़तेह कर लिया इस मार्के के बाद अहल अरब के नज़दीक रसूल सल्ला वल्म की रिसालत में कोई शक बाकी नहीं रह गया था इसीलिए हालात की रफ़्तार जक्सर बदल गई और लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फौज दाखिल हो गए इसका कुछ अंदाज़ा इन तफसीलात से लगेगा जिन्हें हम वफूद के बाप में इस बुक के एंड पे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि जो विदा में हाजिर हुए थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग आगे आ गए आप कह लीजिए कि अंदरूनी मुश्किल का तकरीबा ख़ात्मा हो चुका है यानी अरब और अरब के इर्द इर्द गिर्द मक् मदीना हजाज़ यहाँ सब ने एडमिट कर लिया कि हम इस ताकत को बढ़ने से नहीं रोक सकते और हम कहें ना कहें कि अशहदु अन्ना लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद और रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल है अलैहि वसल्लम उनको हमारी गवाहियों की ज़रूरत नहीं है अब बाहर की दुनिया से निबटने का वक्त था और मुसलमान शरीयत इलाही की तालीम आम करने और इस्लाम की दावत फैलाने के लिए यकसू हो गए तो इसको नोट कीजिएगा मुसलमान की ज़िंदगी में एक दिन बेकारियत का नहीं होता अंदर की मुश्किल ख़त्म तो बाहर की घर वाले मुसलमान हो गए तो बाहर गली वाले गली या तो मोहल्ला मुल्क शहर और फिर पूरा ग्लोब हमारे पास तो वो काम है कि जिसमें ना पेंशन है ना जिसमें ले ऑफ का ख़तरा है मुसलमान तो इतना मसरूफ़ होता है दिन रात क्योंकि वक्त फ़ुर्सत कहां काम अभी बाकी है दुनिया में नूर तोहहीद का इतमाम अभी बाकी है आइए देखते हैं कि इस ग़बे का सबब क्या हुआ और ये ग़बा जो तारीख़ में इतना मरूफ है कुरान पाक की कितनी आयतें एक पूरी सूरत तोबा इसके नाम हो गई वजह क्या है इसलिए कि आखिरी गजवा था एक तो इसमें मोमिनों का ईमान और निफाक खुल के छट के बाहर आता है और दूसरी ऐसी आखिरी कीलें ठोकी जा रही थी कि अल्लाह के नबी अपने पीछे एक ऐसा गिरोह छोड़ कर कि जब मैं इधर से उधर हूँ तो पीछे वाले हिले नहीं हर फितने के आगे सी पिलाई दीवार बन जाए तो गजबे का सबब ये था कि एक ऐसी ताकत का रुख मदीना की तरफ हो चुका था जो किसी वजह जवास के बग़ैर मुसलमानों से छेड़छाड़ कर रही थी यह ताकत रूमियों की थी रोमनस जो उस वक्त रुए ज़मीन पर सबसे बड़ी फ़ौजी कुवत की हैसियत रखती थी यानी आप कह सकते हैं उस दौर की एक बड़ी सुपर पावर थी और हम पीछे पड़ चुके इसकी छेड़छाड़ की इब्तदा शुरखबील बिन अमर गस्सानी के राहतों नब्सुस के सफ़ी हारिस बिन उमैर अजदी के कत्ल से हुई थी जबकि वह रसूल सल्लम का पैगाम लेकर बसरा के हक के पास तशरीफ़ ले गए थे और हम पीछे ये भी पढ़ चुके हैं कि नब्बुलसम ने इसके बाद हज़रत जैद बिन हारिसा की सरकर्दगी में एक लश्कर भेजा था जिसने रूमियों से मूता की सरजमीन में खौफनाक टक्कर ली जिसको गजब मूथा कहते हैं मगर ये लश्कर इन मतकबर झालमों से इंतकाम लेने में कामयाब न हुआ अलबतः इसने दूर और नज़दीक के अरब बाशिंदों पर नहायत बेहतरीन असरात छोड़े तो आप इसका ख़ुलासा कर लीजिए कि उस दौर की एक बड़ी ताकत ने मुसलमानों से रात जाते छेड़खानी की क्या मदीना पे हमला करते हैं मुसलमानों को जिच करते हैं और साथ ही अल्लाह के नबी के कासिद को जो कत्ल किया वो उस दौर में भी एलान जंग होता था ये सारी ख़बरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही थी कैसर रोम इन असरात को और इसके नतीजे में अरब कबाइल के अंदर रोम से आज़ादी और मुसलमानों की हमनवाई के लिए पैदा होने वे जज्बा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था इसके लिए ख़तरा था क्या कि जो कदम ब कदम इसकी सरहद की तरफ बढ़ रहा है और अरब से मिली हुई सरहद शाम के लिए चैलेंज बनता जा रहा था क्या पता चला कि उस वक्त की बड़ी ताकतों को फ़िक्र ये लग गई कि मक्का भी मुसलमान हो गया मदीना तो पहले से था इर्द गिर्द भी इस्लाम हो गया कबायली लोग भी मुसलमान हो गए बद्दुओं ने भी सरेंडर किया अब हो ना हो इस्लाम की ये आग फैल कर हमारे मुल्कों में ना आए याद रखिए कल और आज यही मसला है सबसे बड़ा खौफ सबसे बड़ा ख़तरा जो फिरौन को भी मूसा के दौर में क्या था कि तुम मेरे तरीक का तुम्लह को बदल दोगे तुम मेरे लाइफ स्टाइल मेरे कल्चर को बदल दोगे तो लिहाजा आप कह लीजिए ये कुछ खौफ थे उनके दिलों में जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के इस मुल्क यानी अरब के इर्द गिर्द कुछ चयमगोईयाँ हो रही थी कैसर ने सोचा कि मुसलमान कैसर यानी कैसरे रोम समझते हैं आप लकब था उस दौर के रोमन बादशाहों का तो उसने सोचा कि मुसलमानों की कुत को एक अज़ीम और नाकबले शिकस्त ख़तरे की सूरत इख्तियार करने से पहले पहले कुचल देना चाहिए यानी इससे पहले कि ये हम तक पहुँचें हम इनको ख़त्म कर दें ताकि रूम से मिले इलाकों में फ़ितने और हंगामे सर न उठा सके नोट कीजिएगा ये जुमला इस्लाम को वो फितना और हंगामा कह रहे थे इन सारी मसलतों के पेश नज़र अभी जंग मूता पर एक साल भी ना गुज़रा था कि कैसर ने रोमी बाशिंदों और अपने मातहत अरबों यानी अल गस्सान वगैरह पर मुश्तम फ़ौज की फराहमी शुरू कर दी और एक खून रेज़ और फैसला खुद मार्के की तैयारी में लग गया क्या पता चला कि वो मुसलमानों को परवोक कर रहे थे कि इनको ग़ुस्सा दिलाओ इनको चिड़चिड़ाओ और याद रखिए अगर, अगर अल्लाह के नबी की तरबियत ना की गई होती तो हो सकता है कि कुछ जज्बाती सहाबा कुछ ऐसा काम करते यामल की बात लिखिए चाहे कल के कैसर और किसरा थे या मुस्तबिल में कोई ऐसा मामला हो हमेशा याद रखिए रैक्शनरी होने से बात नहीं बनेगी आग को आग से नहीं पानी से बुझाते हैं हवाओं से बुझती है हवा लगाने से आग फैलती है पानी डालने से बुझती है तो मुसलमान आज के दौर में अपनी जिम्मेदारियों को समझें अगर सिर्फ इस एक गजबे को आप आज के तनाजर में समझ लें तो आप देख सकते हैं कि क्या करने के काम है हमें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं प्यारे नबी की ज़िंदगी इसीलिए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है देखिए बड़ों की के तजुर्बों से जो लोग फ़ायदे नहीं उठाते ना वो फिर खुद तक धक्के खाते हैं फिर वो धक्के खा खा के आखिर अपनी उम्र के आखिरी दौर में कहते हैं बाप सही कहता था माँ सही कहती थी लेकिन अब क्या फ़ायदा अब तो आप ख़ुद भी माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बाकार हो चुके जाने से पहले अपने बच्चों को सिखा जाइए कि तुम वो ना करना जो हमने किया आज के मुसलमानों को भी इसी तरह सोचने की ज़रूरत है अब हुआ क्या कि रोम और गस्सान जो उस वक्त की ताकतें थी उनकी तैयारियों की खबरें आम हो गई यानी उस वक्त मीडिया नहीं था सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था प्रिंट मीडिया भी नहीं था बात ऐसे मुंह दर मुंह होकर जाती थी मदीना कहाँ तबुक किधर और, तबु कि और कहाँ फिर वो हे, हेरकल का मुल्क और रोम तो लिहाजा बातें फैलते फैलते हल्की हल्की आ गई मदीना में खबरें पहुंच रही थी कि रूमी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुमार की तैयारी कर रहे हैं यानी इसको आज की ज़ुबान में कह के, के, के मुसलमानों को ख़बर मिली कि सरहदों पर फौजें खड़ी की जा रही हैं ताकि मुसलमानों पर हमला किया जाए इसकी वजह से मुसलमानों को हर वक्त खटका यानी धड़का लगा रहता था कि इनके कान किसी भी गैरमानूस आवाज़ को सुनकर फौरन खड़े हो जाते थे वो समझते थे कि रोमियों का रहला आ गया है इसका अंदाज़ा इस वाक़े से होता है कि इसी यानी सन नौ हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाद मतहराज से नाराज़ होकर एक महीने के लिए इला कर लिया था आप सब जानते हैं सन नौ हिजरी में आपने अपनी अजवाज से एक माँ का इला किया और इन्हें छोड़कर एक घर के ऊपर वाले हिस्से में अलहदा हो गए साहब कर को शुरू में तो बात समझ ना आई क्योंकि वो कुरैत नहीं रखते थे कोई बात ना बताए तो पूछते भी नहीं थे लिहाजा बात क्या फैली कि उन्होंने समझा कि अल्लाह के नबी ने तलाक दे दिया है इसकी वजह से साहबा में शदीद रंज और गम फैल गया और वजह आप जानते हैं कि अबू बकर की भी बेटी आपके घर में और उमर की बेटी भी घर में और हजरत उम्र जब कभी इस किस्से को बयान करते थे तो कहते थे कि मेरा एक अंसारी साथी था जब मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में मौजूद ना रहता तो वो मेरे पास ख़बर लाता था और जब वो मौजूद ना होता तो मैं आपके पास ख़बर ले जाता मुराद कह कि इन्होंने बारियाँ लगाई हुई थी कि कुछ वक्त तुम कमाया करो तो मैं नबी की सहबत से फैज लूँगा और दूसरे वक्त में तुम ले लिया करो और इस तरह से एक से दूसरे से इल्म लेते थे ये दोनों ही मदीना के बिल्कुल अवाली हिस्से में रहते थे एक दूसरे के पड़ोसी थे और बारी बारी अल्लाह के नबी के पास आते थे यानी टर्न्स थी एक सुबह में आ जाता था एक शाम में आ जाता था इस तरह से इस ज़माने में हमें शाहे गस्सान का ख़तरा लगा हुआ था हमें बताया गया कि वो हम पर हमला करना चाहता है और इसके डर से हमारे सीने भरे हुए थे एक रोज़ अचानक मेरा अंसारी साथी दरवाज़ा पीटने लगा और कहने लगा खोलो खोलो मैंने कहा क्या गस्सानी आ गए यानी इतना ख़तरा जरा इमेजिन तो कीजिए आज का मुसलमान ये सोचे तो उसका कलेजा हलक में आ जाए कि हल्की सी आवाज़ पड़ती थी तो खौफ आता था कि हमला कर दिया इतनी बड़ी कुव्वत इतनी बड़ी ताकत ने लेकिन उसका जवाब क्या था नहीं बल्कि इससे भी बड़ी बात हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से लहदा हो गए हैं एक दूसरी रिवायत में यहां तक आता है कि हजरत उमर कहते हैं कि हम में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि आले गसान हम पर हमला करने के लिए घोड़ों के कदमों में नाल लगवा रहे हैं यानी अपने घोड़े तेज कर रहे हैं उनके कदम और एक रोज मेरा साथी अपनी बारी पर गया और ईशा के वह वा वापस आया मेरा दरवाजा बड़े जोर से पीटा और कहने लगा क्या 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 कहा क्या हुआ वो वो सोया हुआ है मैं घबरा के बाहर निकला उसने कहा बड़ा हादसा हो गया मैंने कहा क्या हुआ क्या गस्सा नहीं आ गए इसने कहा नहीं बल्कि इससे भी बड़ा और लंबा हादसा क्या कि अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है याद रखिए कि इला और तलाक का फ़र्क क्या है कि औरत के पास ना जाने की कसम खा लेना इसको इला कहते हैं यानी शौहर अपने इस दवाजी हक इस्तेमाल नहीं करता अगर ये चार माह की कसम हो या इससे कम मुद्दत हो तो शरण कोई हुक्म नहीं है जब चार माह पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर औरत को इजाज़त है कि वो अदालत के थ्रू या तो उससे खुला लेगी या उसके साथ रहने के लिए उसको मजबूर करेगी तो बहरहाल ये सारे मसाइल तो हम सूरत तो बकरा में पड़ते ही हैं लेकिन इतना खौफता आप ज़रा इस वक्त इसमे इसको इमेजिन तो कीजिए क्या खौफ कालम था उस वक्त के बात कुछ और थी और हज़रत उमर कुछ और समझे इससे आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाइए जो इस वक्त रूमियों की जानब से मुसलमानों को पेश थी और इसमें मज़ीद इजाफा हुआ मुनाफ़ीन की बातों से जो हर वक्त अफवाहें फैलाते ऐसी कोशिश करते और उल्टी सीधी बातें मारूफ करते कि जी रूमियों ने तैयारी कर ली मदीना पहुँचने वाले हैं देखिए आज की ज़ुबान में समझाऊँ व्हाट्सएप मैसेजेस, ट्विटर मैसेजेस, स्नैपचैट और इसी तरह फेसबुक और बाकी नाम तो पुराने हो गए ये आज के दौर के स्नैप श, एक एक सेकंड की खबरें दुनिया को देते हैं ना उस दौर का सोशल मीडिया मुनाफिक थे हर वो चीज़ जिससे जिससे मुसलमानों में खौफ भरे वो हर चीज़ जिससे मुसलमान परेशान हो इनकी ज़ुबानों पे आम होती थी इनका काम इतने इधर से उठ उधर जाओ उधर जाओ उधर जा, जा और लकड़ियाँ लगाते थे गीपते और इस तरह की अफवाहें फैलाते थे अब ये होने लगा है, वो होने लगा है। और ये एक बड़ा खामोश सवार होता है हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं सिर्फ़ खौफ और हरास फैलाने वाले और मुनाफिक ये भी देख चुके थे कि अल्लाह के नबी हर मैदान में कामयाब है और जमीन की कोई ताकत ऐसी नहीं जिसे आप डरें बल्कि जो रुकावटें आपके रस्ते में आती हैं वो भी पाश पाश हो जाती हैं वो कहते हैं ना कि इनसे टकरा के पत्थर भी टूट गए दो नीम ठोकर से सहराओ दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई उनको ये फिक्र था इसके बावजूद इन मुनाफिकों ने उम्मीद बांध ली कि मुसलमानों के खिलाफ जो उनके अपने सीनों में बहुत दिनों से एक ख्वाहिश छुपी हुई थी कि मुसलमान किसी फितने का शिकार हों कोई गर्दिश दौरा इन पर आए और इसका वक्त अब करीब था यानी वो दिल से चाहते थे कि कोई मुसलमानों को मारे इनके ऊपर हमले करे और हम तो अब नहीं कर सकते कोई बाहर से बड़ी ताकत ही आ जाए चुनाच अपने इसी तस्वर की बिना पर उन्होंने एक मस्जिद की तश्कील की जिसको कुरान में सूरत तौबा में मस्जिद दिरार कहा गया असल में वो क्या थी मस्जिद दिरार उसके अंदर साजिशें थीं उसके अंदर फितना वारीत फितना फितना फैलाने की बातें थी फ़िरका वारीत यानी मकासद सारे कुफर को सपोर्ट करने आ ले थे। लेकिन असल में नाम उस पर मस्जिद का देते थे और एक साजिश थी जिसकी बुनियाद अहिल ईमान के दरम्यान में तफरकाबाजी और अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर और इनसे लड़ने वालों के लिए घात की जगह फराहम करने के नापाक मकसद पर रखी हुई थी अल्लाह के नबी से गुजारिश की गई कि आप इसमें नमाज पढ़ा दें इससे मुनाफे क्य का मकसद पता क्या था ये देखिए इसको कहते लीगलाइज कराना एक मैसेज ले लेंगे उसको ले आगे चल पड़ेंगे हमने तो पूछ लिया था हमने तो बता दिया था ये टोन होती है इसमें खैर उनका ख़्याल क्या था कि अहिल ईमान को इससे फरेब देंगे पता भी नहीं लगने देंगे इस मस्जिद में इनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं और हम इतने प्लान्स बनाते हैं असल में तो उनका मीटिंग रूम था और मुसलमान इस मस्जिद में आने जाने वालों पर कोई नज़र नहीं रखेंगे इस तरह ये मस्जिद मुनाफिकन और इनके बाहर से आने वाले जो दोस्त थे जो ऐसी साजिशें करते थे तो उनके लिए एक बड़ा पुरान सा घोसला बन जाएगा या कह लीजिए एक भट्ट का काम देगा जिसमें जानवर जा के ये लूमड़ी छुप जाती है लेकिन अल्लाह के नबी ने इस मस्जिद में नमाज़ की अदायगी को जंग से वापसी के लिए पोस्टपोन कर दिया मौखर कर दिया क्योंकि आप तैयारी में मशगूल थे और इस तरह मुनाफिकीन अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और अल्लाह ने इनका पर्दा वापसी से पहले ही चेक कर दिया चुनाचे आपने गजबे से वापस आकर इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की बजाय इसे गिरा दिया तो यहाँ तक की बात से आपको क्या समझ आया तारीख़ अपने आप को दोहराती है हिस्ट्री रिपीट्स इट बिल्कुल यही कैफियत है हर दौर में ऐसी कोशिशें होती रहीं और अल्लाह के नबी ने कैसे स्टैंड लिया कैसे आपने इस पर मौका लेकर देखा आइए पढ़े इस वक्त अगर ज़रा से इमेजिन कीजिए अगर आप ज़हनी तौर पे साथ हैं कि ये वक्त मुसलमानों के लिए कितना कठिन था कि दुश्मन और दुश्मन एक नहीं उस वक्त की बड़ी ताक़त और मिल के इर्द गिर्द वालों को जमा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ौजें इकट्ठी कर रहे हैं क्या ये सुनहरी आज हमें समझ आता है कितना बेग चैलेंज खौफ होता घरों में घुस जाते टॉयलेट पेपर जमा कर लो कहीं जंग ना लग जाए हाय खाना जमा कर लो आज का मुसलमान होता घरों को छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोरों में बदल चुका था। और दुबक तुबक के और फिर क्या करते जाओ अल्लाह के नबी से कहो कि जाके माफ़ी मांग लें एक अच्छा सा ख़त लिख दें उनको कोई एक अच्छा पैगाम दे दें हम तो एक हैं हम सब एक हैं और ये वो यानी आज अमूमन ऐसे मौक़ों पर ऐसे ही सोचा जाता है के मशरूत मुसालियत कर लो अपने हकूक़ दे दो अपनी जगह ज़मीनें दे दो और गैरों से डर दो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया ये है आज के दौर का करने का काम जिस तरह याद रखिए कि इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक हम तक पहुँचे क़्यामत तक वही कवानीन वही असूल रहेंगे तो आइए देखते हैं कि रोम और गसान की तैयारियों की खास खबरें क्या पहुंच रही थी अल्लाह के नबी के पास जाहिर है कि जब दूसरों को यह क्यों दिख रहा था तो अल्लाह के नबी को भी दिखता था लेकिन अल्लाह ने आपको एक इत्मीनान दिया और आप सुकून शख्सियत है आप छोटी छोटी बात पर घबराते नहीं थे और अपने लिए ये मांगिए इसके बगैर तो इंसान यकीन करें कि एक सेकेंड ना जिए तो हम देखेंगे कि उस वक्त की दो बड़ी ताकतें एक रोम और एक गस्सान वो दोनों और उनके हुक्मरानों ने क्या तैयारियां की और उसकी खबरें जब नबी वसल्लम तक पहुंची तो आपने उसका क्या रिस्पांस दिया इन हालात और खबरों का सामना मुसलमान कर ही रहे थे किन्हें अचानक मुल्क शाम से तेल लेकर आने वाले निबतियों ये निबतियों जो है ना असल में हज़रत इस्माइल के एक बेटे थे नाबित उनकी नस्ल है जो उस वक्त शिमाली हिजाज में एक बड़े अरूज वाली कौम थी और जवाल के बाद फिर आहिस्ता आहस्ता ये लोग मामूली किसानों और ताजरों के दर्जे में आ गए उस वक़्त में बहरा की शहरत थी तो तेल लेकर आने वाले के गिरोह से पता चला कि हिरकल ने चालीस हज़ार सिपाहियों का एक बड़ा लश्कर तैयार किया है और रूम के एक अज़ीम कमांडर को इसकी कमान सौंप दिया है और अपने झंडे तले ईसाई कबाइल जिसमें लखम और जिसाम ये दो कबीले हैं इनको भी जमा कर लिया और इनका हरावल दस्ता यानी पहला दस्ता जो जिससे कहते हैं कि आगे जाते हैं ना वो बिल्का पहुंच चुका है एक इलाक़े का नाम है और इस तरह एक बड़ा खतरा मुजस्म होकर मुसलमानों के सामने आ गया यानी पहले तो सिर्फ खबरें थी ना अब खबर मिल गई कि एक दस्ता निकल पड़ा मुसलमानों से जंग करने जरा हालात की नज़ाकत को नोट कीजिए महसूस कीजिए और भी हालात खतरनाक हो गए ना फिर जिस बात से सूरत हाल की नज़ाकत में मजीद इजाफा हो रहा था वो ये थी अब इसमें से एक, एक बात एक दिल पे लेने की है जमाना सख्त गर्मी का था लोग तंगी और कहत साली की आजमाइश से दो चार थे सवारियाँ कम थी फल पक चुके थे इसलिए लोग फल और साय में रहना चाहते थे और फौरी रवानगी नहीं चाहते थे और इससे बढ़कर कर यह कि मुसाफत की दूरी और रास्ते की पेचीदगी और दुश्वारी थी यानी आपने ऊपर लीजिए जून जुलाई की गर्मी हो बारिशें भी नहीं हो रही खड़ी फसलें तैयार हैं कि बारिश हो तो काटे पूरे साल की मेहनत सवारियाँ बहुत थोड़ी फल पके हुए हैं जिसको काटेंगे तो पूरा साल खाएंगे, यही उनकी गुज़र बसर थी और आम लोगों की तो यही मर्जी थी कि अभी ना जाएं, और सबसे बड़ी बात इतना दूर आप देखिए मदीना से तबूक आज भी आप जाएँ तो आठ दस घंटे लगेंगे गाड़ियों पे, तकरीबन एक महीने से कुछ कम की मुसाफत थी और रास्ता भी दुशवार अब ज़रा इमेजिनेशन में लाइए लोग बैठे हैं नबी अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं कि अब क्या हुक्म है क्या इशारा है और अल्लाह के नबी क्या इस मामले को देखते हैं कुछ ना कुछ तो जहन में हमारे नक्शा बनेगा ही ना क्योंकि सीरत पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि इसकी वजह से हमारे दिलों में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के उस दर्द को समझने का और उसको पाने का एक पूरा एहसास पैदा होता है तो आइए देखते हैं कि लोगों की तो ये हालत थी लेकिन लीडर की क्या मर्ज़ी थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक कतई इकदाम का फ़ैसला दिल चार कहूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों दरुद रहमतें और उस जान पे हकीक़त में यकीन करें कि ऐसी शायरी और ऐसी अल्लाह के नबी के बारे में बातें पढ़कर दिल में रिक्क़त आती है इसमें कोई शक नहीं है उस रहमत पे करोड़ों सलाम कैसे दिल नबी की मोहब्बत से भरता है लेकिन जो इस वक्त ये पढ़ते वक़्त दिल की कैफियत होती है उसको भी महसूस करे हमारा दीन अमली दीन है अल्लाह के नबी एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े थे उन लोगों के सामने हमारे न खाने में फ़र्क़ पड़े न पीने में फ़र्क़ पड़े न शॉपिंग में फ़र्क पड़े और हमारी ज़िंदगी अब जिस जकड़बंदी में आज के लॉकडाउन में है ये मजबूरियों में फंसे में आज मौका मिले देखिए कैसे बाजार गर्म है और क्या कुछ होता है लेकिन आइए है हमारा ताल्लुक़ किस लीडर से है पहले तो दुआ करें अल्लाह हमें ऐसे लीडर दे और फिर उनकी कदर भी करने की तोफ़ी दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात और तगैरत यानी तब्दीलियों का मुताला कहीं ज़्यादा दिक्कत नज़र से फरमाया ये होती लीडर की निगाह इसको कहते हैं निगाह बुलंद सुखन दिल नवास जहाँ परसोस यही रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए अल्लाह आपको लीडर्स बनाए तो वह नज़र भी तो दे कि जो दिक्कत वाली हो जिससे आपको इतनी क्या दिखे जैसे एक इंजीनियर की नज़र है कि वो एक एक पेज को देखता है एक एक जोड़ को देखता है आप जिस कंप्यूटर को देख रहे होंगे आपको तो ख़ूबसूरत सी स्क्रीन दिखती है ना लेकिन एक मैकेनिक जब इसको खोल के अंदर से देखेगा एक एक शॉर्ट सर्कट उसको नज़र आता है वो उसके जोड़ सीधे करता है आपकी स्क्रीन ठीक हो जाती है आपकी सारी टेक्निकल चीज़ें ख़राब होती हैं ठीक कब होती हैं जब कोई समझने वाला आ जाता है ख़राब कब होती हैं जब आप लोग होते हैं जिनको करना नहीं आता और मैं होती हूँ जिसको छेड़ना नहीं आता अल्लाह के नबी की निगाह दिक्कत वाली थी और वही ठीक कर सकता है जिसको दूर रस देखना था। आप समझ रहे थे कि अगर आपने इन फैसला कुल लम्हात में रूमियों से जंग लड़ने में काहली और सुस्ती से काम लिया रूमियों को मुसलमानों के जेर असर इलाके में घुसने दिया और वो मदीना तक बढ़ और चढ़ाए तो इस्लामी दावत पर इसके नहायत बुरे असर मुरतब होंगे मुसलमानों की फौजी साख उखड़ जाएगी और वो जाहलीत जो जंग हुन में कारी जरब लगने के बाद आखिरी दम तोड़ रही है दोबारा जिंदा हो जाएगी और मुनाफिक जो मुसलमानों पर गर्दशे जमाना का इंतजार कर रहे हैं और अबू आमिर फासिक जिसने वो मस्जिद बनवाई थी मस्जिद दरार उसके ज़रिए रूम से रबता क़ायम किए हुए थे यानी मुखबर थे ये असल में और अल्लाह के नबी को क्या कह रहे हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं यहाँ बस इस मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ दीजिए असल में ये फ़ासिक शख्स था पीछे सैन इस वक्त मुसलमानों के शिकम में खंजर खोप देंगे जब आगे से रूमियों का रैला इन पर ख़ूनख्वार हमले कर रहा होगा इस तरह वो बहुत सारी कोशिशें रायगा चली जाएंगी, जो आपने और आपके सहाब कराम ने इस्लाम की नश्रिशात में सर्व की थी और बहुत सारी कामयाबियाँ नाकामी में तब्दील हो जाएंगी जो तवील और खून रेज जंगों और मुसलसल फ़ौजी दौड़ धूप के बाद हासिल की गई थी इसको हाई कर सकें तो कर लीजिएगा बस दफ़ा लीडर्स की मेहनतें ज़ाया हो जाती हैं पानी पड़ जाता है वो सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे बर्ड्स की नज़र हो जाती हैं और अल्लाह के नबी ने यह पौधा कैसे संचा था ये तो आप इससे पीछे अगर सुन चुके हैं तो पढ़ ही चुके हैं कि कैसे आपकी नबी नबी की कोशिशों से आपने कामयाबियों को कैसे लिया और नाकामियाँ पीछे हुईं लेकिन जब गलत स्ट्रेटजीज़ होती हैं तो फिर याद रखिए कि हाय वाए नाकामी कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा तो यहाँ ऐसा ही कुछ मंजर बनने वाला था अल्लाह के नबी नतज़ को अच्छी तरह समझ रहे थे इसलिए उसरत और शिद्दत के बावजूद आपने तय किया कि रूमियों का दार्लाम की तरफ पेश़ कदमी की मोहलत दिए बग़ैर खुद इनके इलाके और हदूत में घुस कर इनके खिलाफ एक फैसला गुनजंग लड़ी जाए। रिस्क जाएकर वॉज माई प्रॉफिट मोहम्मद बहुत बड़ी खूबी है एक लीडर की कि वो रिस्क लेना जानता लेकिन बात यह है कि अल्लाह के, के नबी ने गिवअप नहीं किया सारे लोग मदीना के कह लीजिए अंदर से नहीं चाहते थे कि अभी जाए एक तो गर्मी एक तो शिद्दत गर्मी की और एक भूख असबाहम कहते तैयारी किधर है इस्लाम मींस को सिखाता है इस्लाम कहता है पहले चीज़ें देखो देखिए माजरत के साथ आज हमारा नाता ना, है पहले लिख के दें कि फताह होगी फिर आपके साथ निकलेंगे पहले लिख के दें शिकस्त नहीं होगी फिर जाएंगे आपके साथ फिर इस काम में हाथ डालेंगे नहीं तो नहीं डालेंगे साहबा कराम ने न फते देखी ना शिकस्त देखी उन्होंने हक़ देखा और रसूल सल वसम की ज़ुबान का सच देखा कि इस ज़ुबान से कभी झूठ नहीं बोला गया जब अल्लाह के नबी ने यह फ़ैसला किया है तो अल्लाह ने कोई तसलियाँ तो दी होंगी ना तो याद रखिए ये साहबा का गिरोह ऐसा गिरोह था कि आज तक न जमीन ने देखा ना देखेंगा अल्लाह के नबी का फ़ैसला अब आगे बोले कौन आपने एक कहा कि हम आगे हम वो क्यों आए हम आएँगे फ़र्क क्या था नोट कीजिए अगर वो आ जाते और मुसलमानों को मदीना में दिफा करना पड़ता तो जंग होती दिफाई राइट डिफेंसिव वॉर होती अब होगी ओफेंसिव इकदामी जंग और हमेशा याद रखिए ओफेंसिव और डिफेंसिव का यही फ़र्क है कभी डिफेंसिव बंदे को आप जीतता नहीं देखेंगे दुनिया की किसी जंग में चाहे वो तबूक हो या कोई और जंग हो हमेशा वही जीतता है जो ऊपर से चढ़ाई करता है ज़रूरत और अल्लाह के नबी ऐसे ही थे चलिए देखते हैं कि रूमियों से जंग की तैयारी का ऐलान कैसे हुआ और क्या हुआ यह मामला तय कर लेने के बाद आपने सहाब करान में ऐलान फरमा दिया कि लड़ाई की तैयारी करें। कबायले अरब और अहले मक्का को भी पैगाम दिया कि लड़ाई के लिए निकल पड़े आपका दस्तूर था कि जब किसी गजबे का इरादा फरमाते तो किसी और ही जाने परवाना होते लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत और तंगी की शिद्दत के बायस अब की बार आपने साफ साफ ऐलान फरमा दिया कि रूमियों से जंग का इरादा है ताकि लोग मुकम्मल तैयारी कर लें यानी छुपाया नहीं वेरी क्लियर सबको बता दो किधर जा रहे हैं आपने इस मौके पर लोगों को जिहाद की तरगीब भी दी और जंग ही पर उभारने के लिए सूरत तोबा का भी एक टुकड़ा नाजिल हुआ साथ ही आपने सदकों खरात करने की फजीलत बयान की व अल्लाह की राम में अपना नफीस माल खर्च करने की रगबत दिलाई अल्लाह अकबर कबीरा पूरी सूरत तौबा की एक एक आयत आंख में ले आइए नजरों में लाइए आप सब कई बार पढ़ चुके होंगे मुझे यक़ीन है इसका वाहर दिल मोमिनीन अलल आलक आइए देखते हैं कि गज़बे की तैयारी के लिए मुसलमानों की दौड़ धूप क्या थी यानी क्या उन्होंने फिर नबी के कदम से कदम मिलाया या घर, घर बैठ गए तो अलग हो गए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता वो तो अब्दुल्ला भी नही था ना कि वहद के मौके पे घर बैठ गया पहले नहीं बैठा रास्ते में निकल गया क्योंकि मेरी नहीं मानी गई याद रखिए बेहतरीन टीम वो होती है जो अपने लीडर पे ट्रस्ट करती है और फिर बात समझ आए ना आए उसमें खैर दिखे या शर दिखे जाने जाने का भी डर हो वो फिर इफ़सन बट्स में नहीं पढ़ते वो कहते हैं अल्लाह के नबी जो आपने कहा वही तरीका और साहबा की सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन ये थी पता नहीं उनकी डिग्रियां कैसी थीं उनकी ग्रामर कैसी थी उनकी तजवीज़ कैसी थी उनका तर्जमा कैसा था ये तो नहीं मुझे कहीं पता अच्छा ही होगा इन लेकिन उनकी ये समात बहुत थी साम कराम ने जो जूही रसूल्ला सल्लाम का अर्शाद सुना कि आप रूमियों से जंग की दावत दे रहे हैं छठ इसकी तामील के लिए दौड़ पड़े और पूरी तेज़ रफ्तारी से लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी कबीले और बिरदरियाँ हर चहार जानेब यानी चारों तरफ से मदीना में उतरना शुरू हो गईं और सिवाय इन लोगों के जिन के दिलों में निफाक की बीमारी थी किसी मुसलमान ने इस गजबे से पीछे रहना गवारा न किया कितनी बड़ी बात है उनको घर नहीं प्यारे उनको जान नहीं प्यारी उनको माल नहीं प्यारा उनको लंबा सफ़र नहीं दिख रहा उनको रास्ते की सौंपते नहीं दिख रही सब दिख रही थी बट ट्रस्ट अल्लाह पर और उसके रसूल पे सिर्फ तीन मुसलमान एग्जेम्प्टेड हैं मुसलमान जो मुस्तना है इसे कि सही उमान होने के बावजूद उन्होंने गजबे में शिरकत ना की हालत यह थी कि हाजतमंद और फाका मस लोग आते और रसोल से दरख्वास्त करते कि इनके लिए सवारी फ़राहम करें ताकि वो भी रूमियों से होने वाली इस जंग में शिरकत कर सकें और जब आप इनसे माजरत करते कि ला लाजी दुमाकुमा लई तवलवाम तफ़ी दुमन दम हजन खजन यजीदुमा यूनफ़िकून नाइन्टी टू आयत है सूरत तोबा की मैं तुम्हें सवार करने के लिए कुछ भी तो नहीं पाता कि तुम इस हालत में कि मैं तुम्हें सवार करने के लिए कुछ नहीं पाता तो इस हालत में वापस होते कि इनकी आंखों से आंसू रमा होते कि वो खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं पा रहे ज़रा सा चंद के लिए इसको महसूस कीजिए हम कभी रोए किसी नेकी के मौके से हटने पे किसी और चीज़ पे इल्ला माशाल्लाह अल्लाह को पता है हमारे दिलों के हाल लेकिन बात यह है कि जिनको नेकियां करने का शौक़ होता है जिनको तारीख रकम करनी होती है वो ऐसे मौक़ों परिफ्स एंड बर्ड्स में नहीं आते अन्ा का शिकार नहीं होते वो ये नहीं सोचते कि हाय अब कब क्या कैसे नहीं छोड़ो फिर सही नेक्स्ट टाइम अभी नहीं फिर सही ये भी वो भी जो कुछ भी कह दीजिए वो सारी चीज़ें जो थी इसके अंदर आती हैं और जाती हैं लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह सुबहान तर फिर ईंटें बना लेता है फिर इसी तरह मुसलमानों ने सदका व करने में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की याद रखिए जहाँ भी दीन की कुछ जद जहद होगी कल के दौर की जंगें आज के दौर का इलमी मजात या फिर किसी भी कॉज में इस्लाम के लिए कुछ करना होगा माल तो चाहिए होगा और मुनाफीन का सबसे बड़ा मसला ही माल होता है ना उनको जान लगानी होती है अल्लाह के रस्ते में ना माल लगाना होता है ना आराम छोड़ सकते हैं ना अपनी दयशात वाली ज़िंदगी छोड़ सकते हैं तो ऐसे वक्तों में फिर दूध का दूध और पानी का पानी दिखता है इसी तरह मुसलमानों ने सदको खैरात करने में भी एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश की हज़रतमान बिन अफान रदी अल्लाह ने मुल्क शाम के लिए एक काफरा तैयार किया था जिसमें पालान और कजावेज समेत दो सौ ऊँट थे दो सौ उकिया तकरीबा साढ़े उनतीस ट्वेंटी नाइन कह लीजिए हाफ ट्वेंटी नाइन एंड हाफ किलो चांदी थी आपने ये सब सदका कर दिया इसके बाद एक सौ ऊँट पालान और कजावेज समेत सदका किया इसके बाद एक हज़ार दीनार तकरीबन साढ़े पाँच किलो सोने के सिक्के ले आए और इन्हें नबी अलैहि वसल्लम की आगोश में बखेर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें उलटते जाते थे और फरमाते जाते थे आज के बाद उस्मान जो भी करें इन्हें ज़र्र ना होगा इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर सदका किया सोचिएगा फिर सदका किया और सदका किया यहाँ तक इनके सदक़े की मकदार नकदी के अलावा नौ सौ ऊँट और एक सौ घोड़े तक जा पहुँची इमेजिन भी नहीं कर सकता आज का इंसान एक घोड़े को एक गाड़ी कहिए 900 सौ गाड़ियाँ एक घोड़ा कहीं कह लीजिए बड़ी गाड़ियाँ कहीं छोटी गाड़ियाँ चांदी दिल नहीं थे इनको अपनी फिक्र नहीं थी जरा बाकियों का पढ़े फिर इस पे अपना इन शबुल करते हैं कि जब हम अपनी ज़ात पे ख़र्च करते हैं तो किस दिल से किस सोच से करते हैं और इसी तरह दूसरी तरफ़ से कैसे होता है मामला हज़रत अब्दुलरहमान भी नौफ़ का सुन लीजिए दो सौ ओखिया तकरीबन साढ़े उनतीस किलो चांदी ले आए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सारा माल हाजिर खिदमत कर दिया और बाल बच्चों के लिए अल्लाह रसूल के सिवा कुछ ना छोड़ा उनके सदक़े की मकदार चार हजार थी सबसे पहले यही अपना सदका लेकर तशरीफ लाए और रिवायतों में आता है कि सब कुछ ले आए घर की दीवारों पर छड़ियाँ मार मार कर देख रहे थे कि कुछ बाकी तो नहीं बच गया ये वही अबू बकर है जिनका पीछे आप जिक्र सुन चुके हैं कि हिजरत के मौके पे नाबीना बाप को खुश करने के लिए सोने के डल्ले तो साथ ले गए और उसकी जगह कंकर डाल दिए पत्थर बड़े बड़े कि बाप समझे सोना है ये करना पड़ता है फिर दीन के पौधे पे बाहर आती है आज हम सब अपना सब कुछ जो हमारे बैंकों में जो हमारे घरों में जो लॉकरों में जो दफन शुदा है उसको निकाल कर रखे हैं इस्लाम के नाम पे। देखिए कैसे इस्लाम के पौधे पे बाहर आती जगह जगह सेंटर्स बनाइए हिदायत के तबलीग के दावा सेंटर्स बनाइए इस्लाम फैलाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए औरतों को पढ़ाइए फिर देखिए किसी की ज़रूरत नहीं होगी हमने बेचारों को दीन का कुछ पैगाम दिया ना और सिर्फ हम सुखी बातें करके दीन का दिफा करेंगे तो ये नहीं हो सकता फिर उमर ने अपना आधा माल खैरात किया हज़रत अब्बास रदी अल्लाखन बहुत सा माल लाए हजरत अलखा सात बिन उबादा और मोहम्मद बिन मुस्लिमा भी, भी काफ़ी माल लाए हजरत आसिम बिन अदी नबे बस्तक यानी तकरीबन ते साढ़े तेरह हज़ार किलो टन कह लीजिए थर्टीन पॉइंट एंड हाफ़ टन खजूरें लेकर आए बकिया साहबा भी पैदर पर अपने थोड़े ज़्यादा सदक़ात ले आए यहाँ तक कि किसी किसी ने एक मद या दो मद सदका भी किया जिन्हें यह ना सोचिए सब ने हज़ारों ही दिया कुछ ने थोड़ा सा ही दिया कि वो इससे ज़्यादा की ताकत नहीं रखते थे औरतों ने भी हार बाजूबंद पाजे, बाली और अंगूठी वग़ैरह जो कुछ हो सका आपकी खिदमत में भेजा किसी ने भी अपना हाथ न रोका और बुखल से काम ना लिया सिर्फ मुनाफिकीन थे जो सदक़ात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों पर ताना जनी करते थे कि ये रियाकार है और जिसके पास अपनी मशक्कत के सिवा कुछ ना था इनका मजाक उड़ाते थे कि ये एक दो खजूरें लेकर कैसर की ममलिकत फ़तह करने उठे ज़रा सोचिए तो सही अब इन सारी बातों को हमने उस दौर में तो देख ही लिया अपने इन तनाजर तो में देखिए आज के दौर में मुसलमानों को क्या करना है अपने लिए इतना सा रख ले कि जिससे गुजारा हो जाए और बाकी सब रब को दे दे अब वो वक्त है कि 2.5 पॉइंट ज़क़़त नहीं 97.5 सेवन पॉइंट फ़ाइव लगाइए अल्लाह के रस्तों में और 2.5 पॉइंट फाइव रखिए अपने और अपने बच्चों के लिए कोते ला ये मुंह पर आ जाइए तईशात को छोड़िए अपने सारे एसर्ट इस्लाम के नाम ऐसे निछावर कीजिए जैसे ये आपका बच्चा है यह आपका प्यारा है फिर देखिए दीन के पौधे पे कितनी बहार आती है ये बड़े प्यार से दीन का पौधा अल्लाह के नबी ने बीज डाला और साबन इसके आप जारी की एक हज़ार साल तक ये काम चलता गया उसके बाद ग्रोथ क्यों रुक गई हम सबको सोचना आज तो हम सिर्फ ये बातें सुनने का भी वक्त नहीं पाते हम कहते तो खाने का वक्त है इस वक्त बिज़ी बहुत हूँ असल में आज बड़ी मुश्किल डिश बनाने खड़ी हो गई सारा दिन खड़ी टांगे थक गई हमारी भी टांगे थकती हैं उनकी अल्लाह के रस्तों में खड़े होकर चल के थकती थी हमारी अवन के सामने खड़े होकर थकती है उनकी भी कमरें दुखती थी हमारी भी दुखती हैं फ़र्क है मैं क्यों किसी से कुछ कहूँ आप ख़ुद सोचिए आज के इस पूरे सेशन के बाद आपने मैंने अपने आप से चंद सवाल पूछने हैं पहला सवाल यह है कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती तो मेरा क्या रद्द होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फ़ैसला किया कि हम जाएंगे और बजाय इसके कि वो हम पे हमला करें हम उन पर हमला करेंगे तो मेरा उस वक़्त क्या रिएक्शन होता क्या मैं एफ्स एंड बर्ड्स में बढ़ जाती एंड कौन तोलने लगती उन लोगों से मशवरे ढूंढती जो कभी भी मुझे ना कर हाँ करने की दावत देते वो तो पहले ही ढीले होते और मेरी बात सुनकर हाँ मैं ये कहती सब का यही मशवरा वो सब कौन एक पलड़े में सब को डाल दीजिए और एक में मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाल दीजिए आप देखेंगे कि ये पलड़ा भारी है साहबा ने कभी मेजॉरिटी को नहीं देखा था अथॉरिटी की बातें नहीं की थी और ये सब कुछ आज हमें आईना दिखाया जा रहा है क्या वाकई मैं भी अबू बकर की तरह सारा ही सामान ले आती क्या मैं भी उमर की तरह आधा सामान क्या मैं उस्मान गनी की तरह 900 सौ ऊँट दे सकती थी क्या अब्दुलरहमान की तरह 200 सौ उखिया चांदी मैं देती क्या मैं अब्बास की तरह बहुत सा माल देती रदी अल्लाह रहिए और आसिम भी नदी की तरह नवे वसक खजूरें देती देते तो मुबारक हो इन सब पर यसनो आप खुद लगा के अपने आप को मुबारक दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं माशाल्लाह कि जो इशारे के मंतज़र है वो कहते हैं आप कदम बढ़ाएं हम आपके साथ हैं चलिए हम अल्लाह के रस्ते में आपके साथ है और अगर सोचते रह गए तो सोचते रहेंगे फिर एक और एंगल से भी देखिए वक्त पूरा हो रहा है इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में लेकिन इस वक्त जो बात आपको देनी है आप लोग चाहें तो नेक्स्ट मंडे ज़्यादा तैयारी के साथ फेसबुक पे और जिधर भी लाइव क्वेश्चन आंसर्स का भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हैं ताकि हम पढ़ें तो सही अपना फ़ीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि वो क्या मेहनतें थी वो क्या कोशिशें थी हम तो ऐसे वक्तों में दोपहर गर्मी खड़ी फसलें तैयार कितने एफसेंट बर्ड्स होते हैं कहते अल्लाह है, के नबी अभी आए तो नहीं है ना सब्र कीजिए प्लीज़ समझते नहीं हैं आपको हमारे हालात नहीं पता आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता अल्लाह के नबी सारे साल की फसल है अल्लाह के नबी गर्मी में मर जाएंगे हीट स्ट्रोक हो गया तो क्या करेंगे अल्लाह के नबी देखिए सवारियाँ कितनी थोड़ी हैं पाँव में छाले पड़ जाएंगे फिर कौन आपके साथ दीन के काम करेगा अल्ला नबी असल में हम फितनों से डरते हैं देख के ऐसी सारी चीजों को पीछे करें दिल तो मेरा चार है मैं आगे भी पढ़ा दू लेकिन आपसे वादा एक घंटे का किया तो यही काफी है लेकिन आप इनशा अगला सेशन जब सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे और साहबा के बीच में कितना फर्क आ गया हमारी तो वेफ लेंथ उनसे नहीं मिलती हमारी सोच उनसे नहीं मिलती हमारा ईमान बिल्ला और ईमान बिल आखिर उनसे नहीं मिलता बस नाम की नस्बतें बाकी ना हाल ना हलिया ना शक्ल ना अक़ल और अल्लाह का शुक्र है कि नाम हमारा भी अबू बकर है और उमर है और उस्मान है और अली है दो दो नबियों के नाम मिलाकर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद इस्माइल लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम किसके देखते क्या सुनते क्या बोलते क्या तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आज के मुसलमान को समझ दिला दे कि जो भी फितने हैं चारों तरफ ये बीमारियों के फ़ितने ये घरों में बंद रहने के फितने ये इर्द गिर्द की छेड़खानियाँ ये क्यों हैं तो फिर इंशाल्लाह हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा अल्लाह ताला से दुआ है कि वह आपसे मुझसे राज़ी हो जाए और हमें सीरत का ये सफ़र बग़ैर एक सेकंड मिनट भी मिस किए सुनने की तोफ़ीकदा फ़रमाए जज़ाक मिल खैर सुबान हमदीका अरदाला दस्तक फिर का बतूबिल्लैक्सलैक्म वर